दिन के लिए मैं गया हुआ था मुंबई निक्की से मिलने के लिए, तो कल भाई रात को मैं अपने घर वापस आ गया। और भाई साहब ये देखो कल रात से हमारे यहाँ पे बिजली ही नहीं है भाई। एक्चुअली कल बारिश वारिश हुआ ना, तो बारिश में बिजली खराब हो गया और हमारा जो इन्वर्टर है वो भी डिस्चार्ज हो गया है। मैं तो स्कूल गया था, मुझे पता ही नहीं था। हाँ? हाँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये देखो भाई बाहर का मौसम एकदम तगड़ा वाला हुआ है, एकदम बारिश वाला यार। यही मौसम तो एकदम प्यारा लगता है यार भाई। लेकिन गांव में बारिश में एक ही चीज का यही प्रॉब्लम रहता है कि बारिश में भाई बिजली जल्दी खराब हो जाता है भाई। थोड़ा सा अगर पेड़ भी हिलता है ना तो बिजली खराब हो जाता है गाँव में। बात तो सही है। ये तो भाई एक रियल बात है, अगर ज्यादा सा भी पेड़ हिलता है ना तो बिजली वाले लाइट काट देते हैं। और भाई साहब जब मैं मुंबई में था तो भाई साहब हमारे घर पे हमारा मिस्ट्री बॉक्स आ चुका है। ये तो गुड न्यूज था, लेकिन उसके साथ साथ ही एक बैड न्यूज भी है भाई। चाचू आप जिस दिन मुंबई गए थे ना उसी के दूसरे दिन ही मिस्ट्री बॉक्स आ गया था। मैं तो तब से खोलने के लिए एक्साइटेड था कि चाचू आए और जल्दी से मैं खोल दूं। और जो बैड न्यूज है? बैड न्यूज भाई बहुत खतरनाक है। तो भाई जैसा कि आप लोग को पता है मैंने मीम चैट से भाई 40 मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर किया था, लेकिन भाई साहब एक सीन हो गया उसमें। पहले तो हमारा तो मतलब मिस्ट्री बॉक्स आ ही नहीं रहा था, तो 2-3 महीने बाद तो मैसेज आया कि आपका मिस्ट्री बॉक्स आएगा। उसमें भी एक बैड न्यूज है भाई। जब से मुंबई गया हूँ ना सिर्फ यही कॉमेंट आ रहा कि जल्दी घर जाओ मिस्ट्री बॉक्स अनबॉक्स करो। चलो मिस्ट्री बॉक्स दिखा दो। ये देखो भाई ये क्या है? ये रहा अपना मिस्ट्री बॉक्स। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये देखो भाई हमने मंगाया था 40 मिस्ट्री बॉक्स, लेकिन 40 मिस्ट्री बॉक्स में से सिर्फ आया हमारे पास एक मिस्ट्री बॉक्स। और ये देखो पैसे हमने पे किए थे भाई, मतलब 1900-2000 रुपए ऐसे हमने पे किया था, तो एक मिस्ट्री बॉक्स का थोड़ी ना इतना पे करेंगे। तो उसमें था भी कि इतने में 40 मिस्ट्री बॉक्स मिल रहा है। और सोच लो भाई एक ही मिस्ट्री बॉक्स मीम चैट वालों ने भेजा। और वहाँ पे था कि एक मिस्ट्री बॉक्स 40 रुपए का था। हाँ। तो हमने 40 मिस्ट्री बॉक्स मंगाया था तो 1800 कुछ। अब देखो भाई कितना बड़ा फ्रॉड ये लोगों ने किया और कितना छोटा सा चिंदी सा मतलब बॉक्स भेजा है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर क्या नहीं हमें खुद नहीं पता। हाँ जीशान आजू कहीं इसमें आईफोन ना हो और एप्पल का एयरबड्स भी लग रहा है मुझे क्योंकि छोटा सा है। अब देखते हैं भाई इसको जब अनबॉक्स करेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हमारे साथ भाई। ये मतलब मीम चैट से तो मंगाना नहीं कभी भाई। ये देखो मीम चैट से कभी नहीं मंगाना। अब तो हम लोग कभी नहीं मंगाएंगे। कहीं पाप के ना भर के लिए। जब मैंने सुना ना कि एक ही मिस्ट्री बॉक्स छोटा सा आया हुआ है ना, मेरा मन एकदम मतलब टूट गया था कि मतलब अनबॉक्स नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग का रिक्वेस्ट पे भाई आज इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि क्या है इसमें भाई। तो आज शाम को अनबॉक्स करेंगे इसको। यस। और भाई साहब एक बार बाहर का मौसम चेक कर लो यार, इतना प्यारा हुआ है कि क्या ही बताओ। पूरे काले काले बादल हुए हैं भाई। और यहाँ देखो भाई मैं मुंबई गया और इतना बड़ा कांड हो गया घर पे भाई। ये हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ भाई आंधी आया था गिर गया भाई। इतना खूबसूरत यहाँ लगता था हरा हरा ना कि क्या ही बताओ। पूरा गिर गया था, जड़ से ही उखड़ गया था भाई। लेकिन इसको फिर से लगाए। अब देखो भाई लग जाए तो अच्छी बात रहेगा भाई। बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। जीशान कैसे गिर गया था रे ये पेड़? आंधी आई थी रात को। तो क्यों नहीं रात को उठाए तुम लोग? ये रात में 3-4 बजे आए। तब आ जाया था गिरते हुए? वो लोग जा गए थे समीर भाई। हाँ। और भाई साहब आज है 2 जुलाई और भाई 7 जुलाई को है वल्ला हबीबी समीर का बर्थडे। तो भाई साहब हमने केक वेक तो सब कुछ डिसाइड कर लिया था कौन सा ऑर्डर करना कौन सा नहीं। तो हम लोग भाई 1-2 दिन के अंदर जाएंगे केक का ऑर्डर देने। यस। कौन सा केक है जीशान? पबजी वाला केक। और एक कुछ तगड़ा केक आएगा कुछ फनी टाइप का। क्या रहेगा? अरे वो समझ जाओ क्या आएगा। अच्छा पबजी में क्या क्या रहेगा ये बताओ। पबजी में रहेगा पबजी का गन रहेगा, ड्रॉप रहेगा, उसके फिर वेस्ट रहेगा, हेलमेट रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो 1-2 दिन में जाएंगे ऑर्डर देने। यस। तो बस भाई साहब 5 दिन बाद है वल्ला हबीबी समीर का बर्थडे। बहुत ज्यादा हम लोग इंजॉय करने वाले हैं इस बार। हाँ यस। चलो भाई मजा आएगा। हाँ 2026 में। फिलहाल भाई साहब मैं और जीशान चल रहे कार से अपने चौराहे पे। एक्चुअली भाई हम लोग चल रहे हैं मीठा खरीदने के लिए क्योंकि भाई कल हमारी सिस्टर को हुआ है बेटा, मतलब मुंबई में जो जुन्नू की और समायरा की अम्मी है ना उनको बेटा हुआ है। तो उसी खुशी में भाई हम मिठाई लेने जा रहे हैं, मोहल्ले में बांटना है भाई। यस। तो इसके लिए हम लोग चल रहे हैं।
फिलहाल भाई साहब ये देखो मिठाई की दुकान पे हम पहुंच गए और हमारे भाई मानिकचंद का सबसे फेमस लड्डू लेके जा रहे हैं भाई। बहुत टेस्टी होता है, फ्रेश है कि नहीं? अरे एकदम। हाँ अम्मा मिठाई किस खुशी में है? सर्वर का लड़का पैदा हुआ ना? यस अम्मा भाई फिर से नानी बन गई। हाँ कितनी बार नानी बन चुके अम्मा? कम से कम 10-15 बार नानी बन चुकी होगी ना अम्मा, तो फिर से भाई अम्मा नानी बन गई। वाह क्या बात है, चलो बांटो अब जाके मोहल्ले में। और फिलहाल भाई साहब ये देखो घर पे आ रहे हैं और भाई साहब बिजली आ गया यार, बन गया बिजली आ गया। ये देखो हमारा एसी वेसी भी चलने लगा भाई, हमारा रूम यार गर्म हो गया था क्योंकि इतने दिन से ना एसी वेसी बंद था, रूम पूरा बंद था तो पूरा रूम भाई गर्म हो गया था। अभी भाई थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडा होगा रूम यार, चलो भाई। क्या मिलता है इन लोग को ऐसा करके भाई, कुछ समझ में नहीं आता। देखो और यहाँ पे देखो भाई साहब अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने एक रील अपलोड किया, अभी भी थोड़ा टाइम पहले शूट किया था, अपलोड भी कर दिया। बहुत ही फनी रील है, समीर और जीशान के ऊपर कुछ रील बनाए हैं। ये देखो भाई थोड़ा कॉमेडी। हाँ बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये लो बेटा टॉफी खा। थोड़ा फनी बनाए भाई। अगर ये रील आपको पूरा देखना है तो इंस्टाग्राम पे nvblog07 को फॉलो कर लो तो दिख जाएगा। यस यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं nvblog07, यहाँ पे आप लोग को पूरा रील देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे रील वील अपलोड करते रहते हैं। ये देखो भाई इंडिया जीती थी उसका बनाया था, मुंबई में बनाया था, तौफीक सेठ जा रहे थे वो बनाया था, उस पर देखो 4 लाख व्यूज होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे रील हम बनाते रहते भाई। और यहाँ पे हमारे देखो 90,000 फॉलोअर भी है भाई, तो फटाफट फॉलो कर लो सब लोग और जाके रील भी देख लो भाई और बताना कि रील कैसा लगा। चलो ऐसे ही फनी फनी बनाओ इंस्टाग्राम पर जो है वो जबरदस्त चलेगा, वायरल हो जाएगा फटाफट। हाँ और नहीं तो अब्बा को भाई फनी कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद है ना, प्रैंक फनी कॉमेडी यही सब पसंद है अब्बा को। चलो अब भाई सोचे अब सोच रहे हैं कि डेली एक रील जो है अपलोड करे फनी वाला। हाँ एक्चुअली भाई यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना, इसलिए इंस्टाग्राम पे उतना ध्यान दे नहीं मिलता, मतलब वहाँ का कंटेंट इतना शूट कर नहीं मिलता क्योंकि भाई दिन भर व्लॉग शूट करना रहता है ना, इसीलिए तो जो टाइम बचता है उसमें रील वील बना लेते हैं। तो कोशिश करेंगे कि भाई रील पे भी ध्यान दें आप। अब्बा 7 तारीख को वल्लाह बीबी समीर का बर्थडे है, तुम लाए बड़ा सा क्या? क्या तुम लाए बड़ा सा क्या? क्या मनाओ बर्थडे जबरदस्त। हाँ तो कल परसों में जाएंगे केक का ऑर्डर देने के लिए, तगड़ा वाला केक आएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी आएगा? नहीं क्या वही वो पोटी वाला? आ? वो नहीं लाना केक। कौन सा? पोटी वाला। अभी अभी मुर्गा पहले हैं, ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हो। अभी अभी 2 किलो मुर्गा पहले हैं, ऐसा सोए हैं जैसे मर गए हो। फिलहाल भाई साहब अब हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं अपना मिस्ट्री बॉक्स। हम लोगों ने सोचा था कि 40 मिस्ट्री बॉक्स आएगा लेकिन भाई सिर्फ एक ही मिस्ट्री बॉक्स आया यार। बट कोई नहीं भाई, इसी को खोलते हैं देखते हैं कि क्या निकलेगा इसमें, है कि नहीं जीशान? कुछ बेकार ही एकदम घटिया निकलेगा। पक्का? हाँ। चलो देखते हैं भाई, एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं जीशान, तो कुछ अच्छा निकलेगा तो अच्छा लगेगा है ना। चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं भाई, चलो देखते भाई क्या निकलेगा। मुझे तो लग रहा है कुछ बकवास होगा, जब ये लोग कंपनी फ्रॉड है तो क्या ही भेजेंगे। वल्लाह भी समीर क्या लग रहा है क्या निकलेगा? मसाजर। देखो भाई क्या निकलेगा, कुछ पता नहीं। अरे आईफोन।
क्या बोला था, सनस्क्रीन है। ये क्या है? ओ भाई मुझे लगा आईफोन है, ये वाला डब्बा लग रहा था यार। ये क्या है? ये देखो भाई क्या निकला, मेरा हो गया है, अब मैं इससे गोरा हो जाऊंगा। इतना घटिया चीज, इसके अंदर कुछ है। बात अल्लाह का लाचू। ओ भाई इसके अंदर कुछ है, रुक जा। वार्निंग दिया हुआ है। ओनली क्यूट पर्सन कैन ओपन दिस। मैं क्यूट जो पासपोर्ट जैसा क्या लगा। खोल 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 खोल। टिकट विकट तो नहीं है दुबई भाई? सही पहाड़, सही पहाड़। कुछ इसके अंदर पैसा वैसा तो नहीं है? और भी है। खोल 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 खोल। 499 क्या है रे? खोल जल्दी से भाई, पता नहीं क्या एनवेलप में है यार, कुछ पता नहीं हम लोग को भाई। खाली ना हो, पोपट हो जाएगा। खाली है खाली। फिर इसके अंदर, इसके अंदर भी क्या है? डब्बे के अंदर डब्बे। चूतिया तो नहीं बना रहा ये है? स्टीकर है बे, पाद वाला स्टीकर। मेरे मीम चैट वालों, तुम लोग साले नंबर हरामी हो। ये देखो भाई ये क्या, ये लत्ते लोग का कौन है? ये लत्ते लोग का, हाँ मेरी जान। उसे मेरा क्या फायदा, ये बकवास। चलो हगड़ा, ये क्या भेजा रे तूने? ये कौन है? मीम चैट वालों का अब्बा। मजा नहीं आया भाई। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। बट फिर भी भाई मतलब कुछ हद तक तो ठीक ही है भाई। कुछ नहीं ठीक है। अब्दुल रोजिक भाई ये देखो, ये वाला डब्बा मुझे देखा ना, मैंने जब पहले खोला तो मुझे लगा कि आईफोन का डब्बा है रे, कसम से। लेकिन भाई ये देखो इसमें सन क्रीम निकला। समझ, तू ले ले इसको। हाँ सही में, एक एक जीशान ले ले, एक तू ले ले। चल दो, एक जीशान को दे दे। चल क्या है? हाँ ले ले, फेस वॉश वॉश होगा। क्या है ये? प्रोटेक्शन। हाँ मॉइस्चराइजर है। चल मॉइस्चराइजर, ये वो सन क्रीम है, मॉइस्चराइजर है। चलो भाई, इसीलिए मैंने 40 बॉक्स मंगाया था कि 40 में से भाई कुछ ना कुछ तो खतरनाक निकलेगा ही। लेकिन वो सारे, मेरे मुझे गाली नहीं लेगा, लेकिन वो लोगों ने भाई सिर्फ एक बॉक्स भेजा भाई। क्या लिखा है? स्कैन सिर्फ एक बॉक्स, तो 4 मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। नहीं करूंगा भाई, सोच लो इतना ज्यादा हम लोग मिस्ट्री बॉक्स ले एक्साइटेड थे ना, लेकिन भाई सारा एक्साइटमेंट लोगों ने खराब कर दिया भाई। तो आप लोग भी भाई मीम चैट से कुछ भी मत मंगाना भाई, मीम चैट से नहीं, फ्रॉड है वो लोग, एक नंबर के फ्रॉड है, मत मंगाना, कुछ मत मंगाना। ये स्टिकर का 2000 दिए थे क्या हम लोग? हाँ ये इन लोग का पता नहीं कौन सा ब्रांड का फब्बियो क्या है, कौन सा ब्रांड है बताओ? का पहली बार तो ब्रांड देख रहा हूँ मैं। हाँ समीर, पता नहीं कौन सा ब्रांड है बताओ? मैं तो सोचा था चाचू कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान निकल जाता, गैजेट है, एयरबड्स है, आईफोन निकल जाता तो मजा आ जाता। ये देखो ये टट्टी दिए। और यहाँ पे देखो भाई साहब, इतने में बाहर बारिश होने लगी तेज वाली भाई। ये देखो हम लोग उधर मिस्ट्री बॉक्स खोल रहे थे, इधर ऊपर भाई बादल खुल गया। मिस्ट्री बॉक्स नहीं खोल रहे थे, गू खोल रहे थे। गया बिजली भाई, लो लाइट है भी नहीं और हमारा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। ये लो अभी जस्ट बंद हो रहा है। अगर बिजली नहीं आया तो रात भर परेशान होना है, समझ लो। चलो भाई। ओ भाई साहब क्या टाइमिंग है यार। ये देखो इधर हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज हुआ और इधर देखो भाई बिजली आ गई। मतलब भाई वही जस्ट कैमरा बंद किया उसके बाद तुरंत आ गया यार। ये देखो बिजली आ गई, एसी भी चालू है। क्या बात है, क्या किस्मत है यार, मस्त किस्मत है। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।